सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक च से न तक। आपका जो हिंदी का वर्कबुक है हिंदी अक्षर लेखन, ये जो वर्कबुक है आपका यहाँ पे पेज नंबर 57 इस पेज पे पेज नंबर पे एक क्वेश्चन दिया है आपको। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है, उसके बाद ये वाला पेज आपको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आपको छुड़ाना आना चाहिए ना, इसीलिए मैं आज आपको ये क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। देखो, रेखा खींचकर अक्षर को उचित चित्र से मिलाओ। क्या बोला है? रेखा खींचकर अक्षर को उचित चित्र से मिलाओ। तो वही क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, वही क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मैंने, तो वही क्वेश्चन मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे पिक्चर दी है, इस लाइन में सब पिक्चर दिए हैं और नीचे के लाइन में वर्ड लिखे हैं, लिखे है ना। तो ये पिक्चर देखना है आपको और कौन से अक्षर का पिक्चर है उसको क्या करना है, रेखा खींचना है। यही बोला है इस क्वेश्चन में, रेखा खींचकर अक्षर को उचित चित्र से मिलाओ, यही उसका अर्थ होता है। तो देखो अभी फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, देखो बाना का नो है ना, आपने लिखा है और आपके वर्कबुक में भी दिया है। तो ये कौन सा पिक्चर है, बाना का नो। तो बाना का नो कहाँ पे दिया है वो अभी आपको क्या करना है, ढूंढना है और क्या करना है, रेखा खींचनी है। तो ये क्या है, देखो अच्छे से, ये क्या है, ट से टमाटर, ये च से चम्मच, और ये क्या है, बाना का न, ये है बाना का ना। अभी मैं ऐसा पैर लगाती हूँ वैसे ही है ये, वैसे ही है ये, जुड़िया लगाते हो मैच द पेयर इंग्लिश में लगाते हो, तो वही ये है। देखो ये क्या है, बाना का न, और ये बाना का न का पिक्चर है। तो क्या करेंगे अभी, बाना का न से लाया रेखा खींचेंगे बाना का न तक, देखो खींचे मैंने, तो ये बाना का न है इसलिए मैंने बाना का न तक उसकी रेखा खींची है। ओके, समझ में आया है। उसके बाद सेकंड, ये क्या है, ड से डफली, क्या है ये, ड से डफली। तो कौन सी है ड से डफली, पहचानो यहाँ से, इतने वर्ड दिए हैं यहाँ पे, तो इतने शब्द से आपको ड से डफली देखना है। ये है ड से डफली, नहीं ये तो ड से टमाटर है, और ये बताओ क्या है, हाँ च से चम्मच, और ये बाना का ना है, उसकी तो जोड़ी लग गई है। उसके बाद ये क्या है बताओ, बताओ, हाँ ड से डफली है ना, ड से डफली है ना। तो अभी ड से डफली की जोड़ी डफली को लगाएंगे। ओके, देखो फिर, ओके, तो ड की जोड़ी ड के डफली की पिक्चर को लगाई है। ओके, उसके बाद देखो कौन सा पिक्चर है, ये बारिश में लेते हो आप क्या लेते हो, छाता। तो ये क्या है, छाता का पिक्चर है। तो छ से छतरी देखना है अभी आपको कहाँ पे है। तो ओके, तो ऐसे टमाटर तो आपने अभी देखा है, छ से देखो क्या है, छ से छतरी है ये, नहीं है ना, छ से चम्मच है ये, क्या है, छ से चम्मच, और बाना की नाक की तो जोड़ी लग गई है, और ये ड से डफली है, तो ड से डफली की भी जोड़ी लग गई है। ये क्या है, पहचानो आप, पहचानो क्या है, छ से छतरी है ना, छ से छतरी। तो अभी छ से छतरी की जोड़ी उस पीछे से लगाएंगे। ओके, तो ये ऐसी रेखा खींचनी थी। ओके, तो ये छ से छतरी है, इसलिए छतरी के पिक्चर को उसकी
जोड़ी लगाई है। ओके उसके बाद ये क्या है पहचानो, कौन सा पिक्चर है ये? रेड होता है, रेड कलर का, लाल कलर का, आप खाते हो, सब्जी में डालते हो, क्या है ये? टसे टमाटर, टसे टमाटर है ये वाला। तो अभी टसे टमाटर कहाँ पे लिखा है वो देखना पड़ेगा। ये तो छह से छतरी हो गई है, दस से लकड़ी हो गई है, बाना का नाम भी हो गया है। अभी छ से चम्मच है ये, और ये क्या है बताओ? मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या है ये? टसे टमाटर है ना, टसे टमाटर। हाँ तो फिर टसे टमाटर की जोड़ी टसे टमाटर को लगाएंगे। तो ये क्यों लगाई? ये टसे टमाटर का पिक्चर है और ये टसे टमाटर है, इसीलिए इसकी जोड़ी टसे टमाटर को लगाई है। ओके समझ में आया है। उसके बाद नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है? चौसे चम्मच, क्या है? चौसे चम्मच। तो अभी चौसे चम्मच कहाँ पे लिखा है वो ढूंढेंगे। ओके ये तो चौसे छतरी हो गई है, डसे डपने भी हो गई है, बाना का ना भी हो गया है। अभी ये बताओ मुझे क्या है, पहचानो क्या है? वेरी गुड, क्या है? चौसे चम्मच। तो इसकी जोड़ी अभी चौसे चम्मच की जोड़ी चौसे चम्मच को लगाई है, रेखा खींची है, जोड़ी लगाने जैसा ही है लेकिन उसको हेडिंग ऐसा दिया है, रेखा खींचकर अक्षर को उचित चित्र से मिलाओ। तो वही किया ना आपने, रेखा खींची है और उचित चित्र से उसका शब्द मिलाया है। तो अभी समझ में आया है क्वेश्चन आपको? गम्मत लगी ना? हाँ तो अच्छा है ना, गेम जैसा ही है ये। तो अभी आपको क्या करना है, वर्बुक का 57 पेज नंबर सॉल्व करना है और मुझे उसका पिक्चर निकाल के सेंड करना है। करेंगे?